ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तख्त मारक जुगो जुग अटल सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हार विच हाजरी भर रही समूह सात संगत जीओ सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी तो आए हुए पावन श्री मुखवाक जी विचार करन अते सुनन लई असी गुरु की हजूरी विच हाजिर होए। गुरु का पावन वचन है प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत। जितनी भी संगत दीवान हाल विच बैठी गुरु दे सन्मुख होके बैठो सावधान होके बैठो अते इस याचना नाल चाहना नाल बैठो कि असी गुरु के एक एक बचन नू सुनना है। आओ सब तो पहला गुरु पातशाह जी बख्शी फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सज्जन सच्चा शाह जिस पास बैठे सो ही आए सबना दा वेसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी वडहंस महला तीजा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अपने पिर कै रंग रती मुइये शोभावंती नारे सच्चा शब्द मिल रही मुइये फिर रावे पाए प्यारे अपने पिर कै रंग रती मुइये शोभावंती नारे सच्चा शब्द मिल रही मुइये सच्चा शब्द मिल रही मुइये फिर रावे पाए प्यारे सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी हर हर स्यों ने हो रचाया आप गवाया ता पिर पाया गुर कै शब्द समाया सातन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सातन मेल लई फिर आपे साचे साहे सवारी सातन शब्द सुहाई प्रेमक साई अंतर प्रीत प्यारी नानक सातन मेल लई पिर आपे साचे साहे सवारी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु सवारी सात संगत आप जी ने गुरु सवारे
सिंह साहिब तो इस पावन शब्द का पहला पदा सुनिया है। इसका सिरलेख वडहंस राग है। तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी के मुखार बिंद तो उच्चारण की हुई छंत सिरलेख थले ये पाणी। बीबियां भैणा जानदियां ने जदों ब्याह हुंदा उदों छंत गाए जांदे हैं और उन्हां छंतां दा वधेरे संबंध उस दूल्हे अते दुल्हन नालों हुंदा। गुरु महाराज ने हर कविता दे रूप नूं वरत के सानूं परमात्मा पति नाल मिलण दी जाच दसी। कमाल है गुरु अमरदास तीजे पातशाह जिन्होंने जीवन का कोई पक्ष भी ऐसा नहीं छड़िया जिसके संबंध में सानू समझाया ना हो और हर तरीका वरत के साडे वर्गे जग्यासुआं नू जीवन के मकसद की प्राप्ति लई प्रेरिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद ये मंगला चरण है क्योंकि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिवान है, वो सर्वव्यापक है ते उसकी जानकारी सतगुर प्रसाद सच्चे गुरु की कृपा द्वारा होंदी है। आओ चोड़ियां अड्डो, सावधान होके बैठो। जेड़े भी अपनी मजबूरी करके ढासना ला के बैठते ने मैं उन्होंने भी बेनती करूँगा कि सुरती इधर लियाओ, क्योंकि गुरु का हुक्म है कि पवन आरंभ सतगुर मत वेला शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जिंदगी विच पवन श्वास चल रहे ने तो जिंदगी का आरंभ है। ये वेला है गुरु की मत लैण का, तो गुरु है शब्द ते तुहाडी जिहड़ी सुरत है वह है चेला। जदों तीकर इस तरह की भावना नाल असी नहीं जोड़ांगे। मैनु एक हिंदी दे विद्वान दा कथन है याद है, वो कहिंदे गुरु कुमार शिशु घट गिन गिन मारे चोट अंतर राखे हाथ को बाहर काढ़े खोट। शायद तुसी समझ गए होवोगे कुम्हार भांडे घड़दा है, मिट्टी विचों भांडे घड़दा है पर उसकी कारीगरी तो कुर्बान जाई। पहला मिट्टी गोंदा है, फिर उसके विचों एक भांडे नूं आकार देंदा है, फिर उन्होंने भांडे नूं आकार दे के थोड़ी देर लई धुप्पे रख देंदा है। जदों आठर जांदा है फिर एक लकड़ की थापी लैके उसनूं थापड़दा है। उदा मकसद भांडे नूं तोड़ना नहीं होंदा, उदा मकसद भांडे नूं जोड़ना है। उदा मकसद उस भांडे विच कोई कमी, कोई ऊणताई, कोई किसे दे टेढ़ापन होवे उहनूं कढ़णा है। सचमुच इसे तरह गुरु महाराज साडे जीवन नूं सवारना चाहुंदे ने। इसे लई सानूं रोज़ आवाज़ मार के कहिंदे ने आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी जिनको नदर कर्म होवे हिरदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रो हर रंग, जप्यो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। दास अजकल जो नेता प्रति गुरबाणी की विचार आ रही है उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो बिलावल राग के अंदर गुरु अमरदास जी की सारी बाणी चल रही है। मैं ज्यों ज्यों उसकी विचार करता हाँ तो मैनू समझ आती कि गुरु अमरदास जी ने कितों गल शुरू की। जग्यासु जीव इसतरी किधरे प्यार नाल समझाया, किधरे उस दियां कमियां नू जनाया, किवें उन्हूं मार्गदर्शन किया, ऐं कर ऐं कर ऐं कर। सचमुच गुरु का जिहड़ा रिश्ता है वह बड़ा ही महान है।
गुरु माता भी है, गुरु पिता भी है। रोज़ तुम पढ़ते हो गुरुदेव माता गुरुदेव पिता। गुरुदेव के बड़े रिश्ते हैं साढ़े नाल, वो साढ़े जीवन को बढ़िया बनाना चाहते हैं। तो अज के पावन शब्द में इतों गल शुरू करते हैं। जिहड़ी जीव इस्तरी ने अपने जीवन के अंदर अपने प्यारे पति नाल प्यार कर लिया, कई बारी की होंदा प्यार विच खुब के प्यार विच भिज के कई गल्लां भुल जांदियां ने, पर गुरु अमरदास सच्चे पातशाह इत्थों गल शुरू करदे ने। हे जीव स्त्री, हे अपने पति दे प्यार विच रंगी हुई स्त्री, मेरी गल ध्यान नाल सुन। अपने पिर कै रंग रती मुइए, ये जिहड़ा मुइए शब्द है ना, ये आम तौर पर साढ़े घरां विच जदों लाड़ नाल प्यार नाल किसी बच्ची नू समझाया होवे समझाउणा होवे ते बजुर्ग सहजे कहिंदे मर जाणी है, ये कोई गाल नहीं हैगी, ये तो एक लाड़ दी प्यार दी गल है। ते गुरु अमरदास जी भी इत्थों ही आरंभ करदे ने, कहिंदे ने हे अपने पिर कै रंग रती मुइए, हे मर जाणी है, हे अपने प्यारे दे प्यार विच रती हुई इस्त्री, शोभावंती नारे हे नार तेनों शोभा मिल रही है, होनी भी चाहिए। साडियां तियां ओहो ही सुखी ने जिहड़ियां अपने सहुरे घर जा के शोभा खटदियां सचमुच, जिन्हां दा सच्चा प्यार है। तां ही गुरु अमरदास जी ने कहा तन पिर ए ना आखियां बहन जे कठे होए, एक जोत दोए मूर्ति तन पिर कहीं सोए। हे स्त्री, सिर्फ पति नाल बैठ जाना ही काफ़ी नहीं बल्कि एक जोत बनना। अज मैं देखता हूँ साडे समाज विच बच्चियां दा जीवन बड़ा दुखी हो रहा है। तुसी आखोगे किवें, सैकड़े फोन जाते रिश्ते करन वेले माँ प्यो वेखते ने कि साडे बनन वाले जवाई नूं किन्ने एकड़ जमीन आवेगी, भावें वह शराब पींदा होवे, भावें वह नशे करता होवे, भावें वह अपना जीवन थोड़े दिनों में गवा लवे, पर बच्चियां का जीवन दुखी हो जाए। एक साडा समाजिक पक्ष है, पर गुरु अमरदास पातशाह फरमाते ने पढ़ो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, वडहंस महला तीजा, शांत एक ओंकार, सतगुर प्रसाद अपने पिर का रंग रती मुइए, शोभावंती नारे। हे जीव स्त्री, तू भागा वाली है, तेरी अपने पिर दे नाल प्रीत बनाई, पर मर जानी है। एक गल याद रखी, अपने पति दे प्यार विच भिज के शोभा ते तू लै रही है, शोभा तो तेनों मिलनी चाहिए है। जिहड़ी धी नूं सहुरे घर जा के शोभा नहीं मिलती, उहदे पेके घर वाले भी दुखी। पर एक गल याद रखी, इस शोभा नूं संभाल के भी रखना, इस शोभा नूं किसे तरह का कलंक नहीं लगन देना। अपने पिर कै रंग रती मुइए, शोभावंती नारे, ये अखरी अर्थ ने। इन्हां दा भाव आपां समझ लईए कि सानू सारिआं नूं जिहड़े अमृत वेले उठदे ने, नितनेम करदे ने, बाणी पढ़दे ने, गुरु दे दस्से अनुसार चलदे ने, उन्हां दा जीवन सुखी हो जांदा, उन्हां नूं लोक शोभा दिंदे ने। ते जिहड़े परमेश्वर तो भुल जांदे ने, परमेश्वर ते भुलिआं व्यापण सभे लोक, वेमुख होए राम ते लगन जन्म बिजोग। ते जिन्हां पदार्थां दे मोह करके
पति वालों मूँह मोड़िया जाता है वो सारे ही अजाई चले जाते हैं। तो पहली पंक्ति विच गुरु अमरदास जी शाबाश भी देंदे हन, प्रेरणा भी करते हैं, अपने पिर कह रंगरती मुहिए शोभावंती नावे। सच्चा शब्द मिल रही मुहिए पिर रावे पाए प्यारे। सच्चा शब्द, शब्द दे ददे नू सियारी है। जग्यासु कौन परमात्मा नू मिलदा है जिहड़ा गुरु दे शब्द नाल जुड़िया। शब्द साडा गुरु है, शब्द साडे जीवन नू सवारदा है। इसलिए गुरु अमरदास जी ने एक बड़ी स्पष्ट गल कही है, वह सानू भुलदी जा रही है, पर तुसी भागां वाले हो जिहड़े गुरु की हजूरी विच आके शब्द की विचार सुनते हो। वह भी धन भाग ने जिहड़े दूर दरेडे देश देशांतरां विच बैठे भी सुनते, जिहड़े नहीं सुनते उन्हां नू भी गुरु अमरदास जी ने कहा, भाई सतगुरु नू सब को वेखदा, सतगुरु नू सब को वेखदा। दास बहुत लंबी गैर हाजिरी तो बाद तुहाडे हाजिर दर्शन करनी होया, उन्ना उत्साह नहीं जिन्ने प्यार नाल तुसी बोलिया करदे। एक बारी फिर जुड़ो, गुरु अमरदास जी ने स्पेशल किया, सतगुरु नो सब को वेखदा, सतगुरु नो सब को वेखदा। धन्यवाद है, इहदा मतलब समझो, अखियां बारलियां अखां नाल सारे गुरु के दर्शन करते हैं। जिन्ने भी तुसी आए हो तुसी कहोगे असीं गुरु घर विच गए सी। पर अगली पंक्ति क्या, एक दो चार की गल नहीं, जेता जगत संसार, जेता जगत संसार, जिहड़ा जगत अते संसार शब्द है कोलेक्टिव नाउन है, इहदे विच सारे ही आ गए। अखियां बारनियां अखां नाल सारे लोग गुरु दे दर्शन करते, पर याद रखो डिठै मुक्त न हो वही, डिठै मुक्त न हो वही, डिठै मुक्त न हो वही, डिठै मुक्त न हो। ये जिहड़ा मुक्त शब्द है संस्कृत है, जिहदा मतलब है बंधना तो आजाद होना, विकारां तो छुट जाना। आख्या सिर्फ बाहरों दर्शन करन दे नाल, बाहरों मथा टेकन दे नाल ये मन भैड़े विचारां ते विकारां तो मुक्त नहीं हुंदा। महाराज किवें हुंदा, जिचर शब्द न करे विचार, जिचर शब्द न करे विचार। बाणी बिरलो विचार सी, बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए, जे को गुरमुख होए, ए बाणी महापुरख की, ए बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए, निज कर वासा होए, निज कर वासा होए, निज कर वासा होए। अखियां सच्चे शब्द मिल रही मुहिए, सच्चे शब्द द्वारा
सच्चे मालक नाल मिल रही है मेरी ये जिंदे प्रभ रावे पाए प्यारे। प्रभु तेरे नाल प्यार करेगा, प्रभु तेरे नाल प्यार करेगा, पर तेरे अंदर वो पहा वो प्रेम होना चाहिए। दिखावा ना करी, उत्तों उत्तों ना करी, अंदरों उस प्रभु नाल प्यार करी ते गुरु शब्द की रोशनी विच चलना करी। हाँ जी, सच्चा शब्द मिल रही मुइए फिर रावे पाए प्यारे। सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी हर हर सिंह ने रचाया। आख्या सच्चा पाए प्यारी। प्यार भी दो तरह का, एक है बारों बारों उत्तों, जिहड़ा दिलों प्यार होंदा। साडे बुजुर्ग ज्ञानी जसवंत सिंह जी कहा करदे सन, भाई इलम है कुछ और सीत, जिंदगी कुछ और शै। इलम है सोजे दिमाग, जिंदगी सोजे जिगर। ये जिहड़ा सच्चा प्यार है ना, ये दिखावा बिल्कुल नहीं पालदा। ते जिन्हां दा सच्चा प्यार है, दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चा, जिन मन होर मुख होर से कांडे कती, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार की, आप लिए लड़ लाए दर दर वेस। आख्या सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी। कंत दे तत्ते नूं सियारी है, फिर जिहड़ी सच्चा प्यार करती उन्हों कंत सवार लैंदा। उदियां कमियां नूं भी पर्दा पा के ढक लैंदा, उदियां गलतियां नूं भी लुको लैंदा, तथा उदियां गलतियां नूं सवार दिंदा है। हर स्यों नेह रचाया, हर स्यों नेह रचाया, ने प्यार नूं कहिंदे ने। जे तू सच्चे शब्द द्वारा सच्चा प्यार करेंगी, फिर हरी दे नाल तेरा नेह प्यार रच जाएगा, आरंभ हो जाएगा, तेरे इस प्यार दी सफलता मिलेगी। आप गवाया ता फिर पाया, गुर का शब्द समाया। आप गवाया, मैं कई बारी जदों किसी बच्ची बच्चे का आनंद कारज होंदा, मैनू अज भी याद है, सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी लुधियाने वालियां दी बच्ची का आनंद कारज सी। ते मैं उत्थे कहा उस बच्ची नूं भी ते सब संगत विच बैठिया बीबिया नूं, मैं कहा बीबीओ शब्द हजारे पढ़िया करो। एक नौजवान बीबी जदों मैं बाहर आया जोड़ा पाउण लगा, ते मेरे कोल खड़ी होकर कहन लगी, बाबा जी तुसी हमेशा कहिंदे हो कि शब्द हजारे पढ़िया करो, उहदे च की है। मैं समझ गया भी इस बच्ची ने कदे शब्द हजारे पढ़े नहीं। मैं उन्हूं समझाया, मैं क्यों उहदे विच हर धी नूं हर जीव इस्तरी नूं अपने पति नाल प्यार करन दी जाच दसी है। आप गवाई है तां शौ पाई है, और कैसी चतुराई, शौ नदर कर देख है सो दिन लेख है, कामण नौ निध पाई अपने कंत प्यारी, सास सुहागण नानक सास बनाई। जदों मैं व्याख्या की थी, वो बच्ची कहन लगी, जी मैं हुण रोज़ पढ़िया करांगी, सचमुच मैं अपनियां सारियां धियां बच्चियां भैणां नूं कहांगा। देखो शब्द साडा गुरु है, इस दी विचार करन दे नाल सानूं समझ आउंदी है कि अपने पति परमेश्वर नाल किवें प्यार करना। गुरु अमरदास जी कहिंदे ने, आप गवाया तां पिर पाए, पति दी प्रीत तां मिलदी जे आप गवाई। पढ़ते सां आप गवाइए तां शौ पाइए, और कैसी चतुराई, शौ नजर कर देखै सो दिन लिखै, कामण नौनित पाई। जदों तीकर ये होमे ये अहंकार नहीं छड्या जांदा, साडा परमात्मा नाल मेल नहीं हो सकता। गुरु अर्जन देव जी का एक शब्द है, एका सेज विछी धन कंता, वो परमात्मा साढ़े तो दूर नहीं। ये जिहड़ी हिरदा रूपी सेज है,
ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ। ਏਕਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚੀ ਧਨ ਕੰਤਾ ਧਨ ਸੂਤੀ ਪਿਰਸਤ ਜਾਗੰਤ। ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਹੋਮੇ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਇਹ ਜਾਗੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ। ਭਇਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ। ਬੂਜੀ ਤਪਤ ਘਰੈ ਪਿਰ ਪਾਇਆ, ਬੂਜੀ ਤਪਤ ਘਰੈ ਪਿਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤਪਤ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ, ਘਰੈ ਪਿਰ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ। ਅਤੇ ਸਗਲ ਸਿੰਗਾਰ ਹੁਣ ਮੁਝੇ ਸੁਹਾਇਆ, ਸਗਲ ਸਿੰਗਾਰ ਹੁਣ ਮੁਝੇ ਸੁਹਾਇਆ। ਸਗਲ ਸਿੰਗਾਰ ਹੁਣ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਪਿਰਹਿ ਭਾਈ, ਖੋਲਿਓ ਕਪਾੜ ਤਮਨ ਠਹਿਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਲਾਡ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਰਕੈ ਰੰਗ ਰੱਤੀ ਮੁਈਏ, ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਈਏ, ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਭਾਏ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਭਾਏ ਪਿਆਰੀ, ਕੰਤ ਸਵਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਸਿਉ ਨੇ ਰਚਾਇਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਿਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਸਾ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੀ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸਾਧਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਈ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗੁਣ ਕੱਢ ਲਏ, ਉਹ ਸੁਹਾਈ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਸਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਸਾਈ। ਇਹ ਕਸਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੀ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਨਕ ਸਾਧਨ ਮੇਲ ਲਈ ਪਿਰ ਆਪੇ, ਸੱਚੈ ਸਾਹੇ ਸਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਹਨ ਜੋ ਉਚਾਰਨਾਤਮਕ ਹਨ, ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਹਨ ਜੋ ਅਰਥਾਤਮਕ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ।
गुरदेव सानू रोज़ कहते ने संतां की होए दासरी ये अचारा सिखरी सगल गुणा गुण उत्तमो भरता दूर न पिखरी ए मन सुंदर अपना हर नाम जीठे रंगरी त्याग सियानप चातुरी तू जान गोपाल संगरी। भरता कहे सो मानिए ए श्रृंगार बनाएरी गुर का शब्द कर दीप को ए सत की सेज बचाए। तो जिस जीव स्त्री ने गुरु दे इन्हां पाए पूर्णिया ते चल के अपने जीवन नूं सवारिया वो अपने परमात्मा पति नाल एकमिक हो गई। निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम। हुण दूजे पद विच फरमांदे ने जे तू सदा अपने प्यारे दे प्यार विच भिजी रहनी चाहुंदी निर्गुण वंतड़िए अपने आप नूं कदे भी अहंकार विच ना लिया ये ना समझ कि मैं बड़ी गुणवंती हूँ। ये भी एक समझाउण दा तरीका है। सियाने माँ प्यो हमेशा अपनियां बच्चियां नूं समझाउंदे ने बेटा आ नहीं करना ओ नहीं करना। निर्गुणवंतड़ी हे जीव स्त्री हे मेरी ये जिंदे मेरी गल सुन जे तू सदा सुखी रहना चाहती है तो अपने पिर नू हाजर नाजर समझा कर। ये नहीं कि पिर परदेस गया तो तू मनमर्दियाँ करे नहीं नहीं पति हर वेले तेरे नाल है उनू हाजर नाजर समझना कर। गुरमुख जिनी रावया मुईए फिर राव रहिया पर पूरे राम। जिन्हां जीव स्त्रियां ने गुरमुख गुरमुख का मतलब गुरु के सन्मुख रह के गुरु के दसे अनुसार अपने पति नू मानिया है और उन्हां दा निश्चा यह है कि फिर रव रहा भरपूरे राम वो प्रभु किधरे साढ़े तो दूर नहीं है। हाँ जेड़े बंदे समझ लेंदे ने कि जी वो दूर है कितने है रब वो फिर गलतियां करते ने ते अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। मैं तो यो ही गुरबाणी विचों समझे भाई गुरमुख जन्म सवार लेंदा मनमुख जन्म बिगाड़ लेंदा। गुरमुख कहिंदा होर मैनू कोई नहीं देखता मेरा वाहिगुरु देखता। गुरु अमरदास जी कहिंदे ने जे किसी ने अपना जीवन सवारना है तो तीन पब्बे याद कर लो। असी छोटे होंदे आ जदों आनंद कारज हुंदा सी ना ते बच्चियां नूं तीन पब्बियां दी सिक्ख्या दित्ती जांदी सी पब्बा भुली जी पब्बा भला जी पब्बा भाणा जी। ते गुरु अमरदास जी दी बाणी विच इस अखर दी वरतों बहुत है। वो कहिंदे प्यारिओ जे तुसी हर वेले सिमरन करना चाहो मैं तुहानू तरीका दस देना। पै विच बैसै पैर है पै विच बैसै पैर है जिथे बैठो दे पै विच बैठो जिथे रहो दे पै विच रहो ते पै विच कमावे कार पै विच कमावे कार। बंदे का सुभा है कहना फिर की होगा जी अगली पंक्ति पढ़ लो पातशाह कहना इथे सुख वडियां इथे सुख वडियां दरगा मुख द्वार दरगा मुख द्वार जदों नूं भरपूर हाजर नाजर समझांगे फिर जिथे बैठो दे पै विच बैठो जिथे रहो दे पै विच रहो। जिहड़ी किरतकार ड्यूटी तुहाडी मेरी लगी करो पर पै विच करो बस फिर उहदा रिजल्ट की होवेगा इत्थे सुख वडियाईआं दरगाह मुख द्वार। गुरु अमरदास जी कहिंदे ने हे निर्गुणवंतड़िए
उस परमात्मा नूं कदे दूर ना समझा कर, वो हर वेले तेरे नेड़े हाजर ना। फिर रब रहिया पर पूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता। आख्या परमात्मा फिर रब रहा व्यापक है भरपूर है हर जगह ते व्यापक जल थल मैयर पूरिया स्वामी सिरजनहार अनक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। जहाँ जहाँ देखो वो मेरा परमात्मा सब जगह मौजूद है फिर रब रहा भरपूरे वेख हजूरे जुग जुग एक हो जाता। हर युग में लोग कहने जी ये बड़ा माड़ा युग है पुराना चंगा युग नहीं नहीं परमात्मा हर युग में मौजूद है पर जेड़े उसनु जान लेंदे ने। तन बाली पोली फिर सहज रावे मिलिया कर्म बिदाता। वो परमात्मा जो सारे जीवां दे कीते कर्मां दा फल देने वाला आख्या तन बाली भोली ओ जीव स्त्री जिहदा सुभाव बालपने विच है क्योंकि बालपना जिहड़ा हुंदा भोलापन हुंदा भोलेपन विच चतुराइयां छड के इसलिए गुरु अमरदास जी ने कहा ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया। ये चतुराइयां छड के जिस जीव स्त्री ने धन बाली भोली फिर सहज लावे मिलिया कर्म विदाता वो जीव दे अंदर आत्मे जान वाला परमात्मा उसनु प्राप्त हो जाता है। जिन हर रस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही पर पूरे। हुण जिंदे नने नूं सिहारी है जिन्हां ने देखो सुन लिया पढ़ लिया एक वक्री गल है पर जिन्हां ने जान लिया जिन्हां ने उस परमात्मा नूं जान लिया हरी दे रस नूं चखिया वो फिर शुभ बोली बोलते वो कदे भी फिका नहीं बोलते मिठा बोलें निभ चलें क्योंकि साढ़े बाबे ने कहा कि फिका बोलन दे नाल तन मन फिका हो जाता है फिके की शोभा फिकी हो जाती है। इसलिए जिन्होंने अपने पति नूं रावया परमात्मा नूं सिमरिया उन्हां दी बोली बड़ी शुभ हो जाती है। नानक कामन सा पिर पावे शब्द रहे हदूरे। नानक जी फरमांदे हैं ओ कामन ओ जीव स्त्री अपने पिर नूं चंगी लगती है जेड़ी उस परमात्मा पति नूं हर वेले हाजर नाजर समझती है वो कदे गलती करती नहीं। मैं तो बड़े सौखे के शब्दों च कहना नौकर नूं पता होवे ना भई मालक मैनू देख रहा है वो गलती नहीं करना। इस तरह जेड़ी जीव स्त्री परमात्मा नूं हाजर नाजर समझदी है वो कदे गलती करदी नहीं ते परमात्मा नूं चंगी लगदी। सुहागणी जाए पूछो मुइए जिन्नी विचों आप गवाया। फिर पाछा होर बख्शिश कर भाई जे कोई गल अपने आप नूं ना समझ आवे तां बच्चियां अपनी दादी नूं अपनी माँ नूं अपने तो जो सीनियर ने उन्हां नूं पुछ लैंदियां ने आ गल माँ जी किवें करिए। इसे तरह बाणी गुरु जी कहिंदे ने जाए पुछो सुहागणी वाह है किन्नी बाती शो पाईआं जो कुछ करे सो भला करवानी है हिकमत हुकम चुकाई जाके प्रेम पदार्थ पाई है तो चरणी चित लाई है शो कह सो कीजे तन मनो दीजे ऐसा परमल लाई। गुरु अमरदास जी कहने जे आप ना समझ आवे कोई गल नहीं उन्हां सुहागणा नूं उन्हां गुरमुखां नूं जाके पुछ लेना करो जाए पुछो सुहागणी मुई जिन्हें विचों आप गवाया जिन्होंने अपने अंदरों होमे नू गवा लिया है। पीर का हुक्म न पायो मुये जिन्हें विचों आप ना गवाया। नाली गल सुझात एक ते उन्हां दा जिक्र जिन्होंने अपने अंदरों आपा गवा लिया
एक उन्हों का जिक्र जिन्हों ने अपने अंदरों आपा नहीं गवाया उन्होंने कदे भी पति का प्यार नहीं प्राप्त हो सकता। हाँ जिनी आप गवाया तिनी पिर पाया रंग स्यों रलिया मान। आख्या जिन्हों ने अपने अंदरों अपना अहंकार अपनी चतुराई अपनी सियाणप का अभिमान छड़ दिता उन्होंने पति का प्यार माणिया ते जिन्होंने पति का प्यार माणिया वो सारा जीवन रंग स्यों रलिया माणे प्रभु दे प्यार विच भिजिया रहिंदियां। सदा रंग राती सहजे माती आनंदिन नाम वखाण। वो सदा ही अपने प्यारे दे रंग विच रतियां रहिंदियां उन्होंने कदे जीवन विच ऐसा समा आउंदा ही नहीं कि कदे अपने मार्ग तो टुट जाण। आनंदिन नाम वखाण है हर वेले उठदियां बहिंदियां तुरदियां फिरदियां बाणी ते हर गल समझाई है सौंदे वाह वाह उचरें उठदे भी वाह करें नानक ते मुख उजले जे नित उठ संभाले। हाँ कामण वड पागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुपाया। आख्या वो जीव स्त्री वड पागी वड्डे भागा वाली जा अंतर लिव लागी जिदे अंदर अपने प्यारे लिए लिव लग गई हर का प्रेम सुभाया उन्हों अपने पति का प्यार सुभाया चंगा लगे वो हर वेले फिर अपने प्यारे दियां गल्लां कर करके प्रसन्न चित रहिंदी है। नानक कामण सहजे राती जिन सच सिगार बनाया। सतसंगत हर सुहागण स्त्री शिंगार बनाउंदी है पर सतगुरु कहिंदे ने सचमुच सुहागण बनना ते पैकियां दे सलाइयां लैणी भाव का कर सिंगारो ता सुहागण जानिए लागी जां सौ धरे प्यार। जिस कामण ने इस तरह का सिंगार कर लिया वो हमेशा अपने पति नूं मानती है। हाँ मैं मार मुइए तू चल गुर कै पाए। फिर चौथे पद विच पातशाह कहिंदे ने हे मर जानिए होमे नूं छड इस होमे ने तेरे रस्ते विच रुकावटां पैदा कीतियां ने तू चल गुर कै पाए गुरु दे दसे राह ते चलना कर। गुरु दी ड्यूटी है होई सात संगत जिहड़े काम तों गुरु रोके असीं रुक जाईए जिहड़ा काम गुरु करन लई कहे उह करिए। अज साडियां मुश्किलां इसे लई ने गुरु कहिंदा नशे ना पीओ असीं ना जरूर पीणे ने नशे नाल मैं ते टीके ला लैणे ने चिट्टा क्या कर रहे हैं असीं अपना जीवन आप बर्बाद कर रहे। हर बार राव है सदा मुइए निज कर वासा पाए। आख्या जिस दिन तू गुरु दे दसे रते राह ते चलन लग पई तेरा हरि नाल प्यार बन जाएगा तू अपने निज घर वासा पाए अपने स्वरूप च टिक जाएंगी तेरी बार दी पटकना सदीवी तौर ते मुक जाए। निज कर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी। आख्या जदों तू अपने सूप च टिक गई तेरा अपने पति नाल प्यार बन गया फिर तू सदा सुहागण बन जाए ये अखर भी समझण वाला। देखो आम तौर पर बिरध माइयां बच्चियां नूं असीस देंदियां ने बुढ़ सुहागण होने पर सदा सुहागण वो हो सकती है जिदी पति नाल बण परमात्मा नाल बण क्योंकि परमात्मा पति ऐसा है ना वो मरे ना होवे सोग देंदा रहे ना चुके पो। दुनियावी पति तो देखो जदों किसी का विछोड़ा होना हो जाना है पर परमात्मा पति जिहड़ा वो सदा कायम रहने वाला है इसलिए उहदे नाल जुड़ के तू सदा सुहागण बन जाना। फिर रलियाला जो बन बाला आनंदिन कंत सवारी। आख्या वो फिर परमात्मा रलियाला रलिया वाला जिहड़ा जुवन सदा जवान है सदा ही बाला है उहदे नाल जदों तू प्यार पाएंगी फिर तू सदा सुहागण बन जाएंगी
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੁਟੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਹਾਗੋ ਮਸਤਕ ਭਾਗੋ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਲਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਹਾਗ, ਉਹ ਹਰੀ ਉਹ ਵਰ ਪਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਹਾਗੋ ਮਸਤਕ ਭਾਗੋ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੁਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੈਵੀ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਨਿਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਜਾਂ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਮਣ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਉਹ ਮੰਨੀਏ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਲਓ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਹਾਗੋ ਮਸਤਕ ਭਾਗੋ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਜਾਂ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।